जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा जी, जहाँ पे आपका कल ख़त्म हुआ था वहीं से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। हेडिंग डालेंगे बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक लिखेंगे। इसमें द सेंट्रल बैंक द सेंट्रल बैंक The central bank is the banker bank and also play a supervisory role as a banker bank full stop. It has almost the same relation with other bank in the country as a commercial bank has with its a customer। पहले लिखिए फिर समझाते हैं। दूसरा पॉइंट, it accept deposit is it accept deposits from the commercial bank and offered them loan ठीक है। तीसरा पॉइंट, the rate at which central bank offers loan to the commercial bank
टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, ये क्या होता है अभी कुछ देर में देखते हैं इसको। अगला पॉइंट, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक banks are allowed to park their surplus fund with RBI is called reverse repo rate. चलो अगला पॉइंट लिखो। एज अ सुपरवाइजरी सेंट्रल बैंक regulate and control the commercial bank। इतना लिख लिया बेटा सबने, चलो आगे देखेंगे। एक और पॉइंट लिखो, आरबीआई कंटिन्यूअसली एक्साइज इंस्पेक्शन on commercial bank। एक लास्ट, RBI gives license to commercial bank and ensure that commercial bank maintains CRR and SLR in proper way.
इन प्रॉपर वे। अदरवाइज RBI charge interest and penalty. चलो वन बाय वन समझते हैं सारे पॉइंट को, सारे पैराग्राफ को वन बाय वन समझते हैं। जल्दी से लिख लो। आओ देखते हैं बेटा। देखिए पहला पैराग्राफ क्या कहता है, कहता है द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर बैंक इज ऑल्सो प्ले द सुपरवाइजरी एंड सुपरवाइजरी रोल एज द बैंकर बैंक। इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विथ अदर बैंक इन द कंट्री एज द कॉमर्शियल बैंक विथ इट्स कस्टमर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बेटा कि ये आपका RBI है, ठीक है, ये आपका क्या है RBI है, ये आपका कोई भी क्या है कॉमर्शियल बैंक है, CB लिख दे रहा हूँ, CB मतलब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ क्या कस्टमर। तो जो रिलेशन एक कस्टमर का किसके साथ है, आपके कॉमर्शियल बैंक के साथ है, सेंट्रल बैंक नहीं। क्या बोला मैंने, लिख ही दूँ यार, क्या कन्फ्यूज हो जाओगे, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, CB मतलब आपका कॉमर्शियल बैंक। जो रिलेशन एक कस्टमर का कॉमर्शियल बैंक के साथ है, सेम टू सेम, वही रिलेशन, क्या बोला मैंने, सेम टू सेम, सेम टू सेम रिलेशन, वही किसके साथ है बेटा, RBI का कॉमर्शियल बैंक के साथ है। यानी एक कस्टमर बैंक के साथ क्या करता है, आप बताओ, एक कस्टमर बैंक के साथ क्या करता है? सर एक कस्टमर बैंक के पास जाता है तो अपना पैसा डिपॉजिट करता है, अपना पैसा क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो कॉमर्शियल बैंक भी जब RBI के पास जाएगी तो वो अपना पैसा क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ CRR, इन द फॉर्म ऑफ क्या, CRR। और सिर्फ CRR ही नहीं, उसके पास अगर एक्सेस पैसा होगा तो वो भी वो RBI को दे देगी। अभी देखते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अगर वो पैसा डिपॉजिट कर रही है, अगर वो पैसा क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, तो आवश्यकता पड़ने पर क्या वो RBI से पैसा लोन ले सकती है कि नहीं ले सकती है, बताइए, कितने लोग कह रहे हैं सर ले सकती है। यानी अगर वो पैसा डिपॉजिट कर रही है, भाई एक कस्टमर क्या करता था, बैंक में पैसा जमा करता था और आवश्यकता पड़ने पर बैंक से क्या ले लेता था, लोन। तो ठीक उसी प्रकार कॉमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा जमा कर रही है तो आवश्यकता पड़ने पर क्या वो लोन लेगी कि नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी। तो अगर वो लोन ले रही है तो क्या RBI फ्री में लोन दे देगी, आंसर है नहीं, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग नाम देते हैं रेपो रेट। क्या नाम देते हैं आपका, रेपो रेट, यानी जिस रेट से ये हो गया कौन आपका RBI, ठीक है RBI, और ये हो गया आपका क्या कोई भी कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो जिस रेट से RBI से अगर ये लोन ले रहे हैं तो उसी रेट को हम लोग क्या नाम देंगे आपका, रेपो रेट का नाम देंगे। समझ में आया? तो एग्जाम में अगर मान लो दो नंबर का सवाल आया कि भैया रेपो रेट क्या होती है, क्या होता है, तो बता देंगे द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर द लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द रेपो रेट। यानी वह दर जिस दर से केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को क्या देती है, ऋण देती है, वही क्या हो जाएगा आपका, रेपो रेट हो जाएगा।
ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक लोन दे दे, कभी कभी ऐसा भी क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है। तो क्या सर आरबीआई के पास पैसा नहीं होगा? मैंने एक बार आपसे कहा था याद करो कि अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पैसे पहले किसके पास जाती है? आरबीआई। तो आरबीआई तुरंत नोट नहीं छापती, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया और आरबीआई खड़खड़ खड़खड़ खड़कर मशीन स्टार्ट कर दे, नहीं ऐसा नहीं करेगी। आरबीआई पहले देखेगी कि हमारे आसपास जो हमारे चंगू मंगू हैं यानी कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, नेशनल बैंक, इनके पास एक्सेस सरप्लस पैसा है क्या। फोन करेगी, मैसेज करेगी, और जिस भी बैंक के पास एक्सेस सरप्लस होगा वो उससे क्या ले लेगी, एज अ लोन ले लेगी। क्या ले लेगी? एज अ लोन ले लेगी आरबीआई, सरप्लस का खाली। मैंने क्या बोला? सरप्लस का। और ये लोन अपने लिए नहीं लेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए लेगी। किसके लिए लेगी? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए लेगी। देखिए क्या लिखा है, द रेट एट, अच्छा उसी रेट को जिस रेट से वो लोन ले रही है। इस बार लोन कौन ले रहा है? आरबीआई। किससे ले रही है? कॉमर्शियल बैंक से। तो जिस रेट से ले रही है उस रेट को हम लोग प्यार से नाम देंगे रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्या नाम देंगे? रिवर्स रेपो। अच्छा मैं रिजर्व, ठीक है, रिवर्स, रिजर्व, रिवर्स, ठीक है। क्या नाम देंगे? हाँ रिजर्व। पानी पिलाओ यार, नहीं ये खत्म है, गर्मी का असर दिख रहा है बेटा, लाओ। नहीं, ठीक है। तो जिस रेट से आरबीआई लोन लेगी उसे क्या नाम दिया जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। बात क्लियर हो गई बेटा? चलो अब देखिए अगला अगला काम क्या है कि जो आपका आरबीआई है वो क्या है बेटा, बैंकर ऑफ द बैंक तो है, साथ ही साथ वो क्या है, सुपरवाइजर भी तो है। तो अगर वो सुपरवाइजर है तो वो टाइम टू टाइम सुपरवाइजरिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और साथ ही साथ वो क्या कहेगा, जो बैंक का इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम है वो भी करेगा कि नहीं करेगा? इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, ठीक है, कि भैया सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना कि जो CRR या जो SLR हमने बोला है बनाने के लिए क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी कौन इंश्योर करेगा? आपका आरबीआई इंश्योर करेगा। साथ ही साथ बैंकों को लाइसेंस देने का काम किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथों में है। यही चीज आपने यहां पर लिखी है, ठीक है बेटा। चलें फिर आगे, आइए अगला हेडिंग लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखिए। हाँ चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए बेटा। लेंडर टू, लेंडर ऑफ, लेंडर ऑफ लास्ट 12 कॉमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी, क्रिएट लाइबिलिटीज इसके नाम पे, डिमांड डिपॉजिट के नाम पे। मेनी टाइम
more than their cash reserve. However, paragraph change करके, however, there may be occasions बैठे हैं लाइट और वो लाइट चला दो. There may be occasion when a bank suffer crisis of finance. Crisis of finance. In such a situation, the central bank, act as a lender of last resort. Central bank, full stop. Central bank helps commercial banks in critical situation. बेटा ये पॉइंट किसको किसको समझ में आ गया? कोई ऐसा जो कह दे कि सर ना समझाओ आगे बढ़ो हम समझ गए हैं, कोई ऐसा है क्लास का चमत्कारी बच्चा? नहीं बेटा मैं चमत्कारी नहीं हूँ. चलो आओ देखो एक चीज़ देखो बेटा. जैसे मैंने आपसे कहा था जब आप LRR पढ़ रहे थे तो LRR का मतलब होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ CRR एंड SLR. SLR क्या होता है सर? वो पैसा जो बैंक अपने पास रखता है फॉर द करेंट लाइबिलिटी. वो पैसा जो बैंक क्या करता है अपने पास रखता है फॉर द करेंट लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट से है. अब सपोज करो किस 1000 रुपया बैंक के पास आया. कितना आया बेटा? 1000 रुपया बैंक के पास आया. LRR मान लीजिए 10% आपको क्रिएट करना है तो इसका मतलब आपके पास रिजर्व कितना होगा. अब इसी LRR में एक आपका SLR भी है और दूसरा आपका क्या है CRR भी है. मान लो 5-5%. ठीक है तो 5-5% के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा 100 यानी 50 और 50. यही तो होगा ना मैक्सिमम कितना पैसा बैंक के पास रखा होगा? 100. मैक्सिमम कितना रखा होगा? 100. लेकिन डिपॉजिट कितना हुआ था? 1000. सोचो अगले दिन ही
1000 की डिमांड आ गई या 1000 की नहीं आई, 500 की आ गई, तो बैंक के पास कितना पड़ा है? तो क्योंकि बैंक ने बचे 900 रुपए को क्या कर दिया होगा, लोन के रूप में इशू कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा, तो ये पैसा क्या बैंक के पास पड़ा है? उस बैंक के पास तो बिल्कुल नहीं पड़ा, किसी दूसरे बैंक के पास पड़ा होगा ना, उस बैंक के पास तो पड़ा नहीं होगा। अगर मैं SBI में जमा कर रहा हूँ तो पैसा निकालने क्या मैं PNB में जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? SBI के पास जाऊँगा, और SBI ने क्या पता वो पैसा PNB को दे रखा हो एज अ लोन, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अब SBI के पास अगर पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास रिजर्व भी नहीं है, तो वो किसकी शरण में जाएगा? RBI की शरण में जाएगा, कहेगा मालिक आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। ऐसे नहीं, लास्ट रिस्टोर का मतलब क्या है यहाँ पे, आखिरी उम्मीद। तो अगर कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो किससे लोन ले सकता है? RBI से। और किस रेट पे ले सकता है वो जो डिसाइड किया जाएगा, और उस रेट का नाम क्या है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने रेपो रेट। क्या नाम पढ़ा हम लोगों ने? रेपो रेट। तो अब ये कहानी समझ में आ गई। अब क्या लिखा है एक बार पढ़िए। एज वी नो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट द लाइबिलिटी, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? डिमांड डिपॉजिट। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है प्यारे? डिमांड डिपॉजिट। आगे कहता है कि मेनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व्स, यानी हम अपनी लाइबिलिटी को अपने रिजर्व से भी क्या कर लेते हैं, ज़्यादा रख लेते हैं। भाई देखा जाए तो यहाँ पे हमने रिजर्व कितना रखा था, 100 ही तो रखा था, लेकिन हमारी लाइबिलिटी कितने की है? 1000 की लाइबिलिटी है, और रिजर्व हम बना के रखे हैं कितने का? 100 का। तो कमी हुई कि नहीं हुई? हुई सर। हाउएवर देयर मे बी ओकेशन वेन द बैंक सफर द क्राइसिस ऑफ द फाइनेंस, इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ, क्या लिखा है बेटा, पढ़ो पढ़ो, समझ में आ गया अब। और सेंट्रल बैंक उस क्रिटिकल सिचुएशन से उभारने की भी क्या लेता है? जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि भैया बच्चा चाहे जितना नालायक हो, रहेगा तो बाप का प्यारा ही ना। और RBI क्या है? माँ बाप है, है ना। चलो अगला पॉइंट। लिखो इन जो ये पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक पॉइंट आ सकता है 4 से 5 नंबर का, या 2 से 3 नंबर। जरूरी नहीं कि वो सारा फंक्शन आपसे पूछेगा, वो पूछेगा एक्सप्लेन इट, बाकी आगे कोई भी दे देगा, 6-7 में से कोई एक पकड़ा देगा। तो करना एक्सप्लेन तुम लोग। हाँ बेटा, चलो, कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रिजर्व, लिखो जरा। सेंट्रल बैंक इज द custodian of national national foreign exchange रिजर्व। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, द सेंट्रल बैंक
सेंट्रल बैंक नॉट ओनली द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरनर एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्साइजेस managed floating to ensure stability of exchange rate exchange rate in the international money market in the international money market star dekhe likhiyega ये मैनेज फ्लोटिंग क्या है मैनेज फ्लोटिंग रिफर्स टू द सेल्स एंड purchase of foreign exchange with the with a view to achieving stability of exchange rate for domestic currency ठीक है दो पॉइंट है बेटा जल्दी से इसको लिख लेते हैं समझाएंगे अगली क्लास में ठीक है दो पॉइंट जल्दी से लिखो छठवां पॉइंट लिखो छठवां हेडिंग क्लियरिंग हाउस फंक्शन सेंट्रल बैंक act as a clearing house for transfer and settlement of mutual claim
म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल क्लेम ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स. सिंस द सेंट्रल बैंक, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा या दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा. सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक. सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड द रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. अगला पॉइंट, इट ट्रांसफर फंड from one bank to another bank, one bank to another bank to facilitate clearing of check. Clearing of check. ठीक है, चलो लास्ट फंक्शन है, जल्दी से लिखो. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक The most important function of central bank is to control supply of money दूसरा पॉइंट, इट इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी by regulating the creating of credit by the commercial bank. ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट और लिख लो. द सेंट्रल बैंक need to control the supply of money
टू कॉप सी ओ पी ई विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड deflation ठीक स्टार दे के लिखेंगे ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी एंड दूसरा स्टार ड्यूरिंग द डिफ्लेशन ये एक मिनट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज रिस्ट्रिक्टेड रोक लिया जाएगा ना रिस्ट्रिक्टेड और ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ डिफ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी अरे रुक जा भाई सप्लाई ऑफ मनी इज लिबरलाइज्ड चलो एमसीक्यू में ये भी एक बार कई बार ऐसे पूछे गए हैं सप्लाई इन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी के साथ क्या करेंगे तो आप कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड और डिफ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी के साथ क्या करेंगे बेटा बिल्कुल सही ठीक है चलो तो अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है जो कि हम अगली क्लास में ख़त्म करेंगे तब जाके आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए जय श्री महाकाल।